3 अक्टूबर को तिकोनिया में हुए हत्याकांड का 1 साल पूरा हो गया है। इसे लेकर वहां पर किसानों द्वारा बरसी का आयोजन किया गया था, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने तिकोनिया में आयोजित बरसी में मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने वहां पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने सभी से शांति की अपील भी की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपना वादा पूरा करती तो ज़्यादा अच्छा था। सरकार ने कोई वादा नहीं पूरा किया है और सरकार अब क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे, सड़कें, अस्पतालें और स्कूल बनवाए जिससे लोगों का ध्यान इससे हट सके। इस दौरान राकेश टिकैत किसान नेता, उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। देखो, 1 साल इस घटना को हुआ है तो 1 साल के बाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। 1 साल बहुत संघर्ष यहाँ के लोगों ने, पूरे प्रदेश ने किया। अब यह है कि शांति की हम अपील यहाँ पे भी कर रहे हैं कि लोग शांति से रहें। इस केस को सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में केस अब जा रहा है और सरकारों से भी हम इस संबंध में बातचीत करते रहेंगे। एसकेएम हमारा और यहाँ पे जो सरकारें हैं वो विकास पे भी ध्यान दें, हॉस्पिटलों पे ध्यान दें, एजुकेशन पे ध्यान दें, सड़कों के ऊपर ध्यान दें, जल भराव है उस पर ध्यान दें, तो लोगों का भी कुछ माइंड डाइवर्ट होगा। 1 साल बहुत संघर्ष हो गया यहाँ पे और कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट से निर्णय ठीक आएगा। क्या लगता है किसानों को न्याय मिल रहा? अभी तो नहीं, जो सरकार ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, मुकदमे गलत लिखे गए और नौकरी नहीं मिली, घायलों को मुआवजा नहीं मिला। आज आप पीड़ित दो बच्चियों से मिलने गए थे, क्या वहाँ पे था नहीं उनका परिवार और ये कह दिया कि कोर्ट आज 9 बजे लखीमपुर के खुल गए तो परिवार वहाँ पर चला गया। तो हो सकता है कि लखीमपुर के कोर्ट भी जल्दी आज खुल जाते होंगे, पुलिस लेकर उनको जल्दी चली गई कि हम उनसे ना मिल पाए। आगे की चर्चा करेंगे, यहाँ पे वकील से मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, आगे स्कीम में चर्चा करेंगे। यहाँ के लोग उसे शांति से हैं कि अपना शांति से रहे।